ये रहा मेरे साथ गुंडा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? आपको नाले फेंक दो तो कहना गुंडा। कुछ भाई बंद कर ले। गजब बेइज्जती है। हाँ हो गया तो भाई तू ही कर ले, पहले ले कर ले। और बाकी जगहों का शनि से गिना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सो गाइज हम आए हैं पंचक्की औरंगाबाद और चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं और जो है दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पर। 10 रुपये टिकट पर पर्सन है। तो चलो यार टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। और ये देखो कितनी बढ़िया बिल्ली बैठी है यहाँ पे। वाह वाह वाह, एक पीछे पानी का नज़ारा और सामने बिल्ली, कितनी क्यूट सी भी लग रही है ना। ये देखो कितनी सुंदर और कितनी शांत है ये पंचक्की वाली जगह। काफ़ी औरंगाबाद में इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। मेरे को भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ये देखिए मछलियाँ छोड़ रखी हैं इसके अंदर, कितनी क्यूट लग रही है मछलियाँ। ये देखो दिव्य की नज़रें तो सीधे बैग्स पे जाती है, जहाँ इसको मार्केट में बैग्स वगैरह देखी जाए उधर ही जो है बैग्स की तरफ नज़रें जाती रहती हैं। नानी भी देख रही हैं बैग्स वगैरह आज, तो मम्मी कह रही हैं आ जाओ। चलो चलो आगे चला जाए, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है यहाँ से कुछ मार्केट, मार्केट क्या मतलब छोटी मोटी दुकानें खोल रखी हैं, बैग्स वगैरह हैं ऐसे और बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, कुछ वैसा सामान भी जो हाथ से हैंडीक्राफ्ट है बेसिकली। और यहाँ से देखो यहाँ पे ना बेसिकली अंदर जाके आपको मस्जिद और म्यूज़ियम और एक दो चीज़ें और दिख जाएंगी। एक सेकंड जूम कर लेता हूँ, क्या है? मॉस्क्यू म्यूज़ियम, अंडरग्राउंड हॉल, टॉम्ब ऑफ बाबा। तो यही सब है अंदर यहाँ पर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है पंचक्की के बारे में कि किसका इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो इसको। यहाँ से जो व्यू आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है। गाइज मैं पवन चक्की के पास ही बैठकर जो है आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो सॉरी पंचक्की नॉट पवन चक्की। तो पंचक्की के बारे में यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यह चक्की अपने आप ही यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे रिवर है, तो उसका पानी अपने आप नीचे मट्टी के पाइप द्वारा ये खींचती है, पुल करती है और उससे फिर जो है इस तरीके से पानी का स्टोरेज होता है यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी तो फ़िलहाल मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे से हम घूम ही रहे हैं। अच्छा ये जो सामने मेरे है इसके अंदर जो है, वन सेकेंड डी क्लियर, इसके अंदर मस्जिद है, अंडरग्राउंड हॉल है, म्यूज़ियम है एंड टॉम्ब ऑफ बाबा शाह मुसाफिर है। तो अभी देखते हैं हमें कहाँ जाना है। हाँ भाई आदि, आदि आ गया। तो चलो आपको दिखाते हैं पंचक्की कि कैसी है भाई। और ये लोग पहुँच गए उधर। वन सेकेंड यहाँ इधर की तरफ है ये पंचक्की
उधर जाना है और देखना है कि क्या है यहाँ पे। मैं देख रहा भाई, सही है। ये रहा मेरे साथ गुंडा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे गुंडा गुंडे शक्ल दिखा अपनी। ये यहाँ पे आया है पंचक्की में एक जो है गुंडा। आपको नाले फेंक दो तो कहना गुंडा। कुछ भाई बंद कर ले। गजब बेइज्जती है। तो इधर से पंचक्की का रास्ता बिना टिकट के पकड़े जाने पर 50 रुपये दंड एक आदमी का लगेगा। पैसा ही पैसा होगा लिख रखा है। तो ऐसे ही आ रही आवाज़। ये घूम रहे इसके पानी से इसकी पंखड़ियाँ घूमती हैं तो ये चक्की चलती है और पानी यहाँ पे निकलता है। और ये चक्की चल रही है। अरे ये वैसा ही सिस्टम है जैसे भोले की झाल पे नहीं अपने इसमें लिखा है हजरत बाबा शाह मूसा फकीर के तकी में गरीबों और फकीरों के यतीमों को खिलाने के लिए आटे की जरूरत इसी के लिए 250 साल पहले पानी से चलने वाली यह चक्की बनाई थी। 1744 आटा पीसने के लिए चक्की बनाई थी पानी से। 1744 पहले वो होता होगा पत्थर का ऊपर से उससे पानी अनाज पीसते हैं। सही बात है। हाँ हो गया। तो भाई तू ही कर ले पहले ले कर ले। सो गाइस आ गए हैं हम कोपरगांव स्टेशन वापस और हमारा हो चुका है शिरडी और बाकी जगहों का शनि से गिना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सो गाइस हमारा शिरडी का सफ़र जो है यहीं पे ख़त्म होता है और हमने शिरडी से शनि सिग्नापुर औरंगाबाद और बाकी जगहों को भी एक्सप्लोर कर लिया है और दर्शन कर लिए साईं बाबा के। तो भाई अब जा रहे हैं हम वापस दिल्ली, फिर दिल्ली से मेरठ और आएंगे फिर से शिरडी कभी और। सो गाइस हमें मिल गई है ट्रेन वापस की। हम जा रहे हैं यहाँ से कोपरगांव से निज़ामुद्दीन वापस और देखिए सामने कितने सुंदर सुंदर नज़ारे मिल रहे हैं। वापस जाने में जो मज़ा आता है वो अलग ही है बिकॉज़ जब हम आते हैं निज़ामुद्दीन से शिरडी की तरफ कोपरगांव की तरफ तो ज़्यादातर सफ़र जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का होता है वो रात को निकल जाता है। बट इधर से अब जब जाते हैं निज़ामुद्दीन वापस तो दिन में ही वो सारे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी मैंने शिरडी सीरीज़ जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू वॉच एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 एपिसोड अपलोड कर रखे हैं मैंने अपने चैनल पर जिसमें कि जो है मैंने फुल गाइड दी है आपको शिरडी साईं बाबा के कैंपस की मंदिर की और वहाँ के जो है जो प्रसाद आल्य उसकी। शिरडी रसोई का एक टोटली डिफरेंट ब्लॉग है। शनि सिग्नापुर का एक टोटली डिफरेंट ब्लॉग है। वहाँ पर हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बेस्ट ब्रेकफास्ट का भी एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। बाकी ओवरऑल जर्नी हमने कवर करने की कोशिश करी है शिरडी और शिरडी के आसपास के एरिया की। तो आई होप आपको सारी सीरीज़ और सारे एपिसोड्स अच्छे लगेंगे। इससे पहले मैंने उत्तराखंड सीरीज़ का, उससे पहले हिमाचल सीरीज़ का और डिफरेंट एडॉक ब्लॉग्स अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। तो आई होप यू गाइज विल लाइक दोज एज़ वेल। अगर आप जो है इस चैनल पे पुराने हैं और मेरे ब्लॉग्स पसंद करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर दोज ब्लॉग्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी जो है चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे रास्ते के। ये देखो यहाँ पे भाई साहब जब से मैं देखता रहा हूँ केले के पेड़ इतना ज़्यादा केला होता है यहाँ पे महाराष्ट्र एरिया में। इतना ज़्यादा केला बस आप खुद ही देख लो, इतने ज़्यादा पेड़ हैं केले के हद से ज़्यादा।
अच्छे भी लगते हैं देखने में, मज़ा आ जाता है। काफ़ी सारी पब्लिक ट्रेन में तो जो है केले के पेड़ ये पूरे पूरे फार्म हाउस का और पेड़ों का आने का वेट करती है कि कब केले वाले पेड़ आएंगे। बीच बीच में ये रिवर वाला एरिया भी दिखता है, काफ़ी खूबसूरत बन जाता है सफ़र जब रिवर आती है, पुल आता है बीच बीच में और ये हरे भरे नज़ारे। बाकी हम जो है रात तक पहुंच जाएंगे मेरठ, आप इंजॉय करो सफ़र को, करते हैं आपसे थोड़ी देर में बात। तो यहाँ होता है हमारा शिरडी का सफ़र ख़त्म। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा शिरडी साई बाबा का, और बनाएंगे दूसरा ब्लॉग, जाएंगे कहीं, बने रहिए हमारे साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप वॉचिंग दिव्याशी व्लॉग्स, स्टे ट्यून्ड, बाय।